क्या है कॉन्सेप्ट पूरा? ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि यानी कि पानी को बचाने का, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे बचाते हैं और उसका उपयोग कैसे होता है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। और ये जो अब हमको आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये सर रिचार्ज वेल है, तो सर अगर मैं बनाऊँ संग्रह आप फोटो को इसको वो करना है, सर मान लीजिए ये हम लोग यहाँ पर ये लैंड है, अभी हम लोग यहीं पर खड़ा है, ठीक है सर। मान लीजिए ये रिचार्ज वेल है संग्रह, ये देखना वीडियो आना चाहिए। तो मान लीजिए ये रिचार्ज वेल सर आप लोगों ने बनाया है, तो इसमें सर इसको आप आगे एक्सप्लेन कीजिए, मैं इसको ड्राइंग करके बताता हूँ सर। तो मैं ऐसे ही यहाँ का जो बारिश का पानी होता है यहाँ पे आता है अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ कंकर डाले हुए हैं ताकि वो सिल्ट जो आता है उसको हम यहाँ पे रोक ले। कंकर मतलब पत्थर? पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो हमने डाला है। ये पूरा पत्थर आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा, यानी कि हमने पूरा ये पत्थर यहाँ तक रखा हुआ है, सारे यहाँ पे पूरा हमने वो डाला हुआ है ताकि, और यहाँ पे रिंग है, ये पूरा आप समझ लीजिए रिंग डाला रहता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। और इसके अंदर जब पानी आता है तो ये पूरा अंदर पानी भर लेता है, और बाद में इसका यहाँ पे रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये जब रिचार्ज होता है यानी कि पूरा यहाँ पे जो एरिया है सॉइल का एरिया है वो पूरा इसका पानी से भरना शुरू हो जाता है। और ये जब पानी भरना शुरू हो जाता है और यहाँ पे पूरा पानी रहता है, तो आप यहाँ कहीं पे कुआं बनाओगे तो ये रिचार्ज वेल है, और कहीं और पे आप कुआं बनाओगे तो उस कुएं में आपको पानी आना शुरू हो जाता है, नहीं तो उसमें पानी रहता है। मान लीजिए सर ये रिचार्ज वेल है, पहले बारिश हुई सर, पहले बारिश में अगर पानी यहाँ के पूरा पानी इसमें आना शुरू, ओके पानी इसमें आना शुरू हो गया और ये पत्थर के थ्रू पानी मतलब घुसते हैं। हाँ, अब मान लीजिए अब जो वीडियो को देख रहे हैं, हाँ आप संग्राम का कैमरा का थ्रू देख रहे हो आपका पानी कि इसमें पानी अभी भी आपको दिख रहा होगा, हम लोगों ने खोल के दिखाया है राम प्रसाद सर का थ्रू पानी बारिश हुआ था, तो पानी है, ठीक है सर। आप संग्राम आप इसको थोड़ा वो करना। अब मान लीजिए ये आप दिखा, आपको जो दिखा अभी ट्यूबवेल सर रिचार्ज वेल रिंग में जो पानी को अभी मान लीजिए रिंग में पानी गया, फिर यहाँ पर से पानी पार्कुलेशन रेट का थ्रू पानी सेलो एक्वीफेयर में वो होता है, और संग्राम को दिख रहा होगा आपको पीछे दिख रहा होगा राम प्रसाद सर अगर सर आएंगे सर निकलो यहाँ पे संग्राम बाद में दिखा देगा कि कहाँ तक पानी है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 10 फीट के अंदर अंदर पानी आपको मिल जाता है। तो यहाँ 10 फीट के अंदर अंदर पानी मिल जाता है। तो ये ऐसा कब्बन पार्क में 7 कुएँ हैं, ओके, और ये 7 कुओं के लिए हमने जो वाटर सिक्योरिटी जो बोलते हैं यानी कि बारिश के पानी को नीचे भेजना और उसको इमीडिएटली कहीं और पर यूज़ करने का, तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे चलता रहता है। ये जो पूरा आइडिया है सर, मुझे इसमें 3 चीज़ समझ में आया। एक तो आप पहले रेन वाटर को बचा रहे हो, पानी को कंजर्व कर रहे हो, सेकंड थिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है सर पार्कुलेशन का, वो उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और संग्राम आपको राइट में करना, आपको दिख रहा होगा वो मोटर है वो, तो उसका थ्रू ये पूरा पार्क में सर, और इस पार्क में से कितना है पानी का, एक कितना पानी चाहिए इस पार्क में टोटली यहाँ पे डेली, यानी कि बारिश के टाइम पे तो बहुत कम चाहिए रहता है, मगर एक यानी कि आप समझ लीजिए जनवरी से लेकर के जून तक का जो महीना है उस टाइम पे 80,000 लीटर का पानी चाहिए रहता है सर। 80,000 लीटर का पानी कहीं से बाहर से लाने का जरूरत नहीं है, बस अब रेन वाटर का थोड़ा कर लिया अच्छे से तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो गया, और प्लस यहाँ का पार्क में भी पानी का जो यूजेज है वॉशरूम्स में या गार्डनिंग में यूज हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट का। तो मतलब आपका इंटरवेंशन मैनेजमेंट है वो रिचार्ज को, वो रिचार्ज वेल का थ्रू। साइंस टेक्नोलॉजी ठीक है, बट कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो एक मेथड स्टार्ट सिविलाइजेशन का वो वी हैव टू रिवाइव देम अगेन, है ना सर? मेनी ऑफ देम दैट नॉट, वी आर नॉट टेलिंग दैट ब्लाइंडली फॉलो दैट, डू द रिसर्च प्रॉपरली ये करके, डोंट थ्रो द बेबी विद द टब करके बोलते हैं ना, कि हमने सारे चीज़ को ट्रेडिशनल चीज़ को ना साइंटिफिक करके हम उसको बाहर फेंक देते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। वी हैव टू सी वेदर देर हैज बीन ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स विच हैव बीन टाइम टेस्टेड एंड एवरीथिंग एल्स एंड फॉलो दैट वन ऑल्सो, कि उसको भी हमको फॉलो करना चाहिए साइंटिफिक प्रूफ के साथ, मगर वही उसको ट्रेडिशनल बोल के उसको बाहर फेंकने का काम नहीं करना चाहिए जो बहुत अभी हाल आजकल हो रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। एंड ऐसा कुछ ट्रेडिशन है तो उसको हमको फॉलो करना भी चाहिए। इसे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, जो पानी जो घर का पानी जो आता है वो सुवेज पानी, ये यहाँ आके ट्रीट होके फिर यहाँ से लेक, एक दिन में 15 मिलियन लीटर 15 मिलियन लीटर देख रहे हैं, 15 मिलियन लीटर पानी जो कि पूरा गंदगी अगर बोलूं मैं कुछ कुछ एरियाज का बैंगलोर से, हाँ, जो पानी को यूज नहीं कर सकते वो यहाँ पर आती है, सही है, ओके, फिर
फिर यहाँ से वेटलैंड्स की तरफ जाता है। अगर हम कैमरा आप चलिए आगे चलिए हम दिखाए तो ये संग्रम आप दिखाना कैमरा को भी थोड़ा वो एक बार जूम करके ये आपको दिख रहा होगा कैनाल विच कम्स फ्रॉम जो एसटीपी से है वहाँ से वेटलैंड को जाने लिंक करने के लिए एक चैनल है। ओके तो ये कैमरा में आया फिर आइए इस तरफ आ जाइए ये जा रहा है ना। हाँ जा रहा है तो यहाँ से वेटलैंड्स में जाएगा वेटलैंड से फिर और ट्रीट होके फिर बाद में लेक को जाएगा। और अगर संग्राम कैमरा को जूम करें तो आप थोड़ा आगे उस तरफ जूम करना संग्राम आपका स्ट्रेट में आपको दिख रहा है वो पानी का जो फ्रेश वाटर। तो आपको वीडियो देखने का मकसद ये है कि जो एक इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ना इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट कि पानी को एक अर्बन एरिया में क्योंकि यूजली हम लोग देखते हैं कि पानी गंदगी है या क्या करे उसका बट इट्स ए गुड मॉडल टू शो पूरे देश में अगर ऐसा चल रहा है और बताने का बहुत खुशी भी हो रही है जो मुझे बताया इन्होंने कृतिका जी ने कि इनको जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से नेशनल वाटर मिशन अवार्ड भी इनको मिला है इस मॉडल को लेके। तो ये मॉडल देखना बहुत जरूरी था आपको संग्राम आप थोड़ा कैमरा का फिर फोकस करना तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है अगर आप एक मिनट समझाए टेक्निकल प्रोसेस को पानी कहाँ जा रहा है और क्या। हाँ ठीक है तो पानी यहाँ से वेटलैंड्स में जाएगा वेटलैंड्स इज समथिंग वी कॉल्ड एज मार्शी आइलैंड मार्शी लैंड होता है तो वहाँ पानी रुक के ये बस एक मीटर का डेप्थ है फिर बाद में लेक जो है वो 10 मीटर का डेप्थ में ठीक है तो 1 मीटर से पूरा पानी जो है ये ट्रीट होता है वेटलैंड से फिर बाद में यहाँ से मेन वाटर बॉडी को जाता है। का बहुत बेनिफिट्स है एक तो आपका बोला आपने बताया कि वाटर रिचार्ज जो हमने पढ़ा है यहाँ पर एक पानी साफ हो रहा है जो गंदगी पानी है पूरा सिटी का वो साफ हो रहा है। सेकंड थिंग हमने देखा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है जो कि बहुत बड़ा समस्या भी इंडिया में देखने मिल रहा है। आप कोई भी रिपोर्ट है पढ़ लो नीति आयोग का किसी का भी ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है बड़े बड़े सिटीज में उसमें बेंगलोर का भी नाम है 2020 में। तीसरा आपने अच्छा बताया मुझे कि लाइवलीहुड के बारे में रूरल वालों के लिए लाइवलीहुड होता है उन्हें हम लोगों ने ग्रास कटर्स करके यहाँ पे जो भी ग्रास आपको दिख रहा है ये सब काट के अपने कैटल्स को खाने के लिए भेज देते हैं और वी ऑल्सो हैव फिशरमैन जो यहाँ आके फिश करते हैं। लेंस होगा संग्राम तो कहीं ना कहीं ये ब्यूटीफाई भी करती है पूरी चीज़ों क्या लगता है आपको। हाँ ये जो मतलब लेक का जो बायोडाइवर्सिटी है एक तरफ से यही शो करते हैं कि अगर गवर्नमेंट और सिटीजन एक साथ आ गए उसके साथ किसी का हाथ उसका पकड़ लिया तो वो काम बहुत ब्यूटीफुली मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं दुनिया में और ये सही है एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ लाइवलीहुड भी मिल जाता है किसी एक पुकार मतलब जाति को तो एक तरफ से एक मतलब इंटीग्रेटेड काम होता है। उस तरफ था सीजन एसटीपी वहां से लेक यहाँ पानी आया फिर पानी से आप देख रहे हैं आइलैंड जो भी एक बर्ड्स का मुझे दिख कैमरा में दिख रहा है लोगों को वो बर्ड्स आइलैंड में अपना घूम रहे फिर यहाँ से कहीं और जाएगा पानी तो इससे लाइक डायमेंशन सिर्फ सीजन मॉडल नहीं और भी अलग अलग बॉडीज रिवाइव हो रहा है इसमें तो इस मॉडल को क्या इंडिया में रिप्लिकेट किया सकते हैं अलग अलग सिटीज में यस और नो बस यस यस डेफिनेटली कुड बी डन। तो इसमें क्या चाहिए अगर एक लाइन में पूछो आपसे एक विल क्या चाहिए इसमें अगर नहीं सब लोग एक साथ मिल जाएं सिटीजंस मिल जाएं और गवर्नमेंट को ऐसे बस पुश कर लें कि उन लोग हमारे साथ हो सिटीजंस के साथ हो तो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये जो एक मीथ होता है कि फंड्स नहीं है वो नहीं है तो आज अगर चाहे दिल्ली में या पटना जो कि सब सिटीज है गुवाहाटी असम में अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं वो लोग मतलब ये बेंगलोर है बोल के बड़ा सिटी ऐसा कुछ एक वो नहीं है ये आप एक यू आर सेइंग दिस क्लियरली यस एनीवेयर दे कैन हां दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड रेप्लिकेटेड एनीवेयर।